हेलो एवरीवन, आई एम अभ्युदय, करेंटली अटेंड एन एसआईयू बैंगलोर। एंड आज के इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ मेरी क्लैट प्रिपरेशन की जर्नी के बारे में। सो मेन टॉपिक पे आने से पहले, एक ऐसी चीज जो आपके काम की है वो ये है कि इस चैनल पे मैं तो आपसे के साथ सारी अपनी जो जर्नी है एंड लॉ स्कूल में जो भी चीजें होती है, एनएलएस में जो भी एक्टिविटीज होती है, वो सारे ब्लॉग्स आपको इस चैनल पे मिलेंगे। बट क्लैट प्रिपरेशन से रिलेटेड जो भी हेल्प आपको चाहिए, क्लासेस आपको चाहिए, लेक्चर्स आपको चाहिए, मेंटरशिप आपको चाहिए, एंड सब चीज़ वहाँ पे तो फ्री ऑफ कॉस्ट होने वाला है। एंड वहाँ पे जो टिप्स एंड टेक्निक्स एंड स्ट्रेटजीज क्लैट के लिए जो इम्पॉर्टेंट होंगे, करंट अफेयर्स के टॉपिक्स जो इम्पॉर्टेंट होंगे, वो सारी चीज़ें मैं आपको उस चैनल पे प्रोवाइड कराऊंगा। सो उस चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे है, तो आप उस चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो हम स्टार्ट करते हैं अपने आज के इस वीडियो के टॉपिक को। सो सबसे पहले मैंने क्लैट के बारे में सुना था न्यूज़पेपर की न्यूज़ में, जहाँ पे मुझे पता चला कि क्लैट का डेट जो है वो प्रीपॉन्ड हो चुका है, मींस अब जून की जगह क्लैट दिसंबर में। सो 2022 में पहली बार ऐसा हुआ कि जून में भी क्लैट हुआ था एंड देन दिसंबर 2022 में भी क्लैट हुआ। सो दिसंबर 2023 में भी क्लैट हुआ, जो कि क्लैट 2022 और 2023 थे, एक साथ हुए थे। सो मैंने सोचा कि दिसंबर का जो 2023 वाला अटेम्प्ट है वो देना चाहिए। सो आई गेस जून जुलाई के अराउंड मैंने देखा कि क्लैट के बारे में न्यूज़ मुझे पता चली, एंड काफ़ी मैंने लेट बैक सा प्रिपरेशन स्टार्ट किया था बिना कोई सीरियसनेस के। बस मैं जब मन करता था तो पढ़ लेता था, फिर एक दो हफ्ते तक फिर कोई तैयारी नहीं। देन अगस्त एंड के अराउंड मैंने अपना पहला मॉक दिया था, एंड उसमें 38 के अराउंड मेरे मार्क्स आए थे। एंड तब मुझे पता चला कि नहीं, क्लैट को जैसा मैं समझ रहा था कि यार ये तो पैसेज बेस्ड एग्जाम है, पैसेज पढ़ना है, आंसर देना है, बहुत इजी सा एग्जाम है, ये जो मैं सोच रहा था वो गलत है। तो तब मुझे रियलाइज हुआ कि अब मुझे इसकी तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। सो सितंबर में मैंने अपनी क्लैट 2023 की जो प्रिपरेशन है वो स्टार्ट की। एंड सबसे बड़ी गलती जो मैंने उस टाइम पे की थी वो ये थी, मैं सबसे ज्यादा अपना टाइम जो देता था वो था जीके को। अगर मैं 5 या 6 घंटे दिन के पढ़ रहा हूँ क्लैट के लिए, तो उन 5 से 6 में से 3 से 4 घंटे मेरे होते थे जीके के लिए। एंड मैं जो था क्लास 12th में मैथ्स पीसीएम वाला स्टूडेंट था, सो मुझे 12th बोर्ड की पढ़ाई जो थी वो ड्रॉप करनी पड़ी थी। एंड मैंने बोर्ड पे उतना ध्यान दिया नहीं था, क्योंकि मेरा फोकस था क्लैट 2023 मुझे इस साल क्रैक करना है। जीके की मैंने फुल फ्लेज्ड प्रिपरेशन की थी, बट जो बाकी के सेक्शन है उसका मुझे उतना आइडिया नहीं था। मैं बस टेस्ट देते रहता था, एंड इट्स लाइक नंबर मेरे जो भी आते थे मॉक्स में, उस टाइम 150 मार्क्स का क्लैट होता था, एंड मेरे मार्क्स अक्टूबर के आते थे 60-70-80 तक आने लगे थे। एंड बट उसमें प्रॉब्लम ये था कि मेरे जो 70-80 मार्क्स आ रहे हैं उसमें जीके का बहुत ज़्यादा रोल होता था। 20-25 मार्क्स मेरे जीके में आते थे, एंड आप तो जानते हैं मॉक का जो जीके होता है और एक्चुअल क्लैट का जो जीके होता है वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट होता है। सो इस तरीके की मेरी प्रिपरेशन चल रही थी जो 2023 का जो क्लैट था उसकी। एंड जब क्लैट के एग्जाम आते तक मुझे पता चला, क्लैट के एग्जाम आते तक ऐसा मुझे लग रहा था कि हाँ इस साल क्लैट मेरा हो जाएगा, काफ़ी कॉन्फिडेंट था मैं, क्योंकि जो सबसे बड़ा किसी स्टूडेंट के लिए क्लैट में क्राइटेरिया होता है अपने प्रिपरेशन को जज करने का वो होता है मॉक स्कोर्स। एंड उस टाइम मेरे मॉक स्कोर्स तो बहुत अच्छे आ रहे थे, 95, 100, 90+ ही थे सारे मॉक में स्कोर्स। एंड जब क्लैट का एक्चुअल पेपर फिर वो दिन आया, एंड मैंने क्लैट का पेपर देने में गया, एंड क्लैट के पेपर जाते ही मेरे माइंड में ये चल रहा था जो क्लैट का एग्जाम डे होता है कि मैं जाऊंगा सेंटर में, एंड सबसे पहला काम जो मैं करूंगा वो है मैथ्स के सेक्शन से मैं शुरू करूंगा, क्योंकि मैथ्स मेरा स्ट्रांगेस्ट सेक्शन था एंड पीसीएम मेरे पास 12th में थी, तो मैथ्स मेरा एक स्ट्रांग पॉइंट था। सो जाते ही मैंने मैथ्स का सेक्शन को ओपन किया 2023 का जो क्लैट था एग्जाम सेंटर पे। एंड सभी को पता है कि 2023 के क्लैट का मैथ्स किस टाइप का आया था। सो आई गेस 30 मिनट्स के अराउंड मैंने उस सेक्शन को दिए, बट एक भी क्वेश्चन मैंने उसमें अटेम्प्ट नहीं किया, एंड इट्स लाइक 30 मिनट्स मैंने वेस्ट कर दिए। देन मैं सोचा कि चलो थोड़ा तेजी से अब मुझे मार्क्स स्कोर करने हैं, तो मैं चले जाता हूँ जीके के सेक्शन में। जीके को मैंने अटेम्प्ट किया, एंड जीके भी 2023 का तो इट्स लाइक बहुत ही वियर्ड सा जीके आया था, सो वो भी उतना अच्छे से स्कोर नहीं हो पाया। एंड अब मेरे पूरे जो 120 मिनट्स होते हैं उसमें से मेरे 50 मिनट्स के अराउंड जा चुके हैं। एंड तब मुझे रियलाइज हुआ कि जो मैंने सबसे बड़ी गलती की थी वो मैं जीके को सबसे ज्यादा टाइम दिया था, एंड बाकी जो 3 रीडिंग ओरिएंटेड सेक्शंस है उस पे मैंने टाइम नहीं दिया था, एंड इस वजह से मेरी रीडिंग स्पीड जो थी वो काफी स्लो थी। अब वहां पे मुझे पता चला उस दिन एग्जाम हॉल वाले दिन कि स्पीड में तो मैंने काम किया नहीं है, एंड उस दिन मैं कर भी क्या सकता था। तो उस जब 2023 का जो मैंने पहला अटेम्प्ट दिया था उसमें मेरे 80 के अराउंड अटेम्प्ट्स थे।
अब ये सब चीजें तो ओवर हो गई, एग्जाम अच्छे से नहीं गया, घर पे भी थोड़ी सी डांट पड़ी कि 12th का सारा प्रिपरेशन तुमने ड्रॉप कर दिया एंड 12th का कुछ प्रिपरेशन हुआ नहीं था। सो दिसंबर के एंड में, दिसंबर 18 दिसंबर को 2022 में क्लैट हुआ था एंड मैंने दिसंबर के एंड से अपने बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी शुरू की। मैथ्स का सारा सिलेबस बचा था, केमिस्ट्री का बचा था, फिजिक्स का बचा था। सो आई गेस 2 महीने के आसपास मैंने बोर्ड्स की प्रिपरेशन की एंड फिर मैंने बोर्ड एग्जाम दिया एंड जो 2023 वाला केस है वो ओवर हो जाता है। अब मुझे डिसाइड करना था कि एक्चुअली मुझे करना क्या है। इन द सेंस मेरे पास 3 ऑप्शंस थे जब मेरे 12th बोर्ड ओवर हो गए थे। तो पहला ऑप्शन जो था मेरे पास वो था या तो मुझे फिर से क्लैट की प्रिपरेशन करनी है, सेकेंड जो मेरे पास ऑप्शन था वो था कि मैं NDA के भी प्रिपरेशन कर सकता हूँ एंड थर्ड ऑप्शन जो कि हर PCM स्टूडेंट के पास होता है वो होता है JEE का। एंड मैंने जो 3 महीने की प्रिपरेशन की थी क्लैट की उसमें मुझे इतना आइडिया था कि यार इंटरेस्ट तो मेरा है क्लैट के प्रिपरेशन में, क्लैट का जो जो चीज़ें पढ़ी जाती है GK में इंटरेस्ट मेरा है। सो मैंने ये डिसाइड किया कि हाँ अब तो मुझे फुल फ्लेज प्रिपरेशन क्लैट की ही करनी है। सो मैंने डिसाइड किया अब मुझे ड्रॉप लेना चाहिए। अब जब मैं ड्रॉप लेने की के लिए मैंने डिसाइड किया सो मेरे पास ये जो मुझे थॉट आया ये थॉट था कि मुझे कोचिंग ज्वाइन करना चाहिए एंड या फिर मैं खुद से फिर से प्रिपरेशन करूँ। सो आई थॉट खुद से मैंने ट्राई किया एंड कोई इसमें लॉस नहीं है कि मैं कोचिंग ज्वाइन करूँ। अब कोचिंग में जब भी कोई स्टूडेंट कोचिंग ज्वाइन करने की सोचता है तो सबसे पहले उसके माइंड में 2 चीज़ें आती है। अगर उसके होम टाउन में अच्छा कोचिंग नहीं है तो, जो कि मेरे साथ केस था, मेरे होम टाउन में क्लैट की अच्छी कोचिंग नहीं थी, मीन्स या तो मेरे पास एक ऑप्शन था मैं ऑनलाइन किसी कोचिंग को ऑप्ट कर लेता या फिर मैं ऑफलाइन कोचिंग के लिए जाता। देन अगर आप क्लैट के प्रिपरेशन में सबसे बड़ी गलती जो आप कर सकते हो मेरे ख्याल से वो है क्लैट की पूरी प्रिपरेशन को ऑनलाइन करना। अब पूरी प्रिपरेशन को ऑनलाइन करने का मतलब मेरा क्या है, आप टेस्ट भी ऑनलाइन दे रहे हो, आप लेक्चर भी ऑनलाइन अटेंड कर रहे हो, एटलीस्ट टेस्ट तो आपको ऑफलाइन ही देनी चाहिए। तो मेरे में केस ये था कि ना ही टेस्ट सीरीज मेरे होम टाउन में था ना ही क्लासेस थी। सो मैंने डिसाइड किया कि ऑनलाइन तो मुझे करना नहीं है, इट्स जस्ट अ वेस्ट ऑफ टाइम। सो मुझे अब ऑनलाइन ऑफलाइन जाना है एंड मैं छत्तीसगढ़ से बिलोंग करता हूँ। सो मेरे नियरेस्ट सबसे अच्छी जो कोचिंग थी वो थी भोपाल लीगल एज का सेंटर एंड ये भी ऑप्शन में था कि मैं जयपुर जा सकता हूँ LPT के लिए एंड एक ऑप्शन था मैं दिल्ली जा सकता हूँ लीगल एज के प्रिपरेशन के लिए। मैंने काफ़ी रिसर्च किया कि कौन सी कोचिंग अच्छी है, कहाँ मुझे जाना चाहिए। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि सबसे ज़्यादा मतलब भोपाल को बोला जाता है कि वहाँ भीड़ अच्छी है, वहाँ के जो टीचर्स हैं वो YouTube पे हैं, बट इट्स लाइक कई बार हमको लगता है कि जो YouTube पे जो टीचर पढ़ा रहे हैं वो सबसे बेस्ट है, बट हमेशा ऐसा नहीं होता। क्योंकि मैंने ज्वाइन किया लीगल एज का दिल्ली NCR सेंटर एंड वहाँ जाके मुझे आई गेस मेरे हिसाब से तो बेस्ट टीचर्स मुझे मिले थे। मेरा ये कहना नहीं है कि भोपाल के टीचर्स अच्छे नहीं हैं, बट ये मैं कह सकता हूँ कि लीगल एज दिल्ली NCR ने मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प की क्लैट के प्रिपरेशन। सो वहाँ तो मैंने ज्वाइन कर लिया दिल्ली NCR का सेंटर। अब देखिए यहाँ पे ये है कि ज़रूरी नहीं हर किसी के लिए वही कोचिंग काम करे। सो आपको जिस टाइप का भी सजेशन चाहिए क्लैट प्रिपरेशन से रिलेटेड सो आप मुझे इंस्टाग्राम में DM कर सकते हो, चाहे वो कोचिंग से रिलेटेड हो, टेस्ट सीरीज से रिलेटेड हो, या प्रिपरेशन में आपको कुछ डाउट आ रहा हो या आपको कुछ हर्डल्स आ रहे हों, क्योंकि मैं उस चीज़ों से निकल चुका हूँ सो मैं आपको अच्छे से गाइड कर सकता हूँ। तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है abhyuday0108। सो वापस हम अपने स्टोरी पे आते हैं। सो अब मैं दिल्ली शिफ्ट हो गया एंड प्रिपरेशन मैंने स्टार्ट की। अप्रैल तो थोड़ा सा 15 दिन के आसपास मेरी दीदी भी दिल्ली में रहती थी तो उनके साथ मैं रहने लगा एंड 15 दिन के अराउंड तो सेटल होने में ही लगा, कोचिंग आना जाना ये सब टाइम लगता था एंड फिर चीज़ें अच्छे से होने लगी थी एंड पहला मॉक मैंने जो जाने के बाद दिया था उसमें आई गेस मेरे 50s में कुछ मार्क्स आए थे एंड तब मुझे लगा कि पिछले बार मैं प्रिपरेशन करता था तो मेरे 90-100 मार्क्स आते थे, इस बार 50 में मार्क्स क्यों आए। तब मुझे एक्चुअल रीज़न पता चला एंड एक्चुअल रीज़न ये था कि जब हम अकेले मॉक देते हैं बिना प्रॉपर इन्विजिलेशन के तब हम जनरली क्या कर देते हैं कि अगर लास्ट के कुछ क्वेश्चंस बचते हैं तो चलो यार 5 मिनट बढ़ा देते हैं, या जब हम खुद से मॉक चेक करते रहते हैं तो हमको लगता है कि यार ये वाला आंसर अगर मैं थोड़ा सा ध्यान देता तो ये तो सही हो ही जाता मेरा, तो हम उसके मार्क्स को भी काउंट कर लेते हैं। ये चीज़ें हमको नहीं करनी होती, ये चीज़ें अगर हम कर रहे हैं तो हम खुद को धोखा दे रहे हैं। सो वहाँ जाके मुझे पता चला क्योंकि लीगल एज के मार्क्स जो है वो पोर्टल पे आते थे तो वहाँ जेन्युइन स्कोर्स मुझे मिलता था। सो काफ़ी बुरा लगा कि बहुत कम मार्क्स है एंड फिर मैंने 2 मॉक घर पे दिए अगले मॉक के पहले, हर संडेज को मेरे मॉक्स होते थे तो मैंने 2 मॉक घर पे दिए एंड वो मॉक्स देने के बाद
अगला जो मैंने सेंटर पे जाके मॉक दिया उसमें मेरे 63-64 के अराउंड मेरे मार्क्स थे। सो अच्छा लगा कि हाई इम्प्रूवमेंट है। अब जो क्या बोलते हैं, अप्रैल निकल चुका था एंड अब मई आ चुकी थी एंड सीबीएसई ने फिर अपना रिजल्ट डिक्लेयर किया था एंड मेरे 83% आए थे क्लास 12th में। एंड सेंटर में जितने बच्चे थे मैं रह रहा हूँ, मैं जब कोचिंग पहुंचा तो मैंने अपने स्कोर जो है वो कोचिंग सेंटर में ही चेक किया था, तो आसपास सारे बच्चों के स्कोर्स वॉज लाइक 90+, 95+ बहुत लोगों के थे। तो थोड़ा बुरा तो लग रहा था कि यार कम परसेंट है। जो मेरे मेंटर थे वहाँ आलोक सर, उनको मैंने बताया कि सर इतना परसेंट है, तो उनका उनका सिंपल सा रिएक्शन था कि भाई 45% से ज़्यादा आए हैं, बस टेंशन की बात नहीं है, भूल जाए इसको। थोड़ा सेल्फ डाउट तो होता ही है, बट हाँ मैं टीचर्स ने उतना ध्यान नहीं दिया एंड पेरेंट्स ने भी उतना फोर्स नहीं किया, क्योंकि वो जानते थे कि अभी एक और एग्जाम है जो सामने है, तो उतना प्रेशर नहीं करना चाहिए एंड मैं भी उससे मूव ऑन हो चुका। बट देन प्रॉब्लम यह है कि मुझे अपना रूम शिफ्ट करना था। अब रूम शिफ्ट मुझे इसलिए करना था क्योंकि पहले मैं रहता था ईस्ट ऑफ कैलाश में, वहां से साउथ एक्स में जो दिल्ली एनसीआर का सेंटर है लीगल एज का, वहां पहुंचने में आई गेस 30 मिनट्स लगते थे मेट्रो से। बट अब मैं जहां रहने लगा पटेल नगर, वहां अब मुझे लगते थे 1.5 घंटे मेट्रो के साथ। सो 1.5 घंटे मतलब आना जाना मिला के हो गया, 3 घंटे मेरे मेट्रो में निकल जाते थे। सो इस तरीके से थोड़ा तो सेटल होने में फिर टाइम लगा एंड इससे मुझे मैंने नोटिस किया कि सेल्फ स्टडी का टाइम काफी कम मिल रहा था। मैं कोचिंग जाता था, 2 घंटे की 2 क्लासेस होती थी एंड थोड़ी देर बाद दिन बाद मुझे सुपर 30 वहाँ एक बैच बनता है जो कि सिर्फ टॉपर्स का बैच होता है, जो कि काफ़ी अच्छा वहाँ का एक इनिशिएटिव है। सो सुपर 30 में मैं मुझे इनरोलमेंट मिल गई थी, तो मेरी 3 क्लासेस होती थी दिन में। सो क्लासेस में 6 घंटे निकल जाते थे एंड क्लासेस का आउटकम तो बहुत अच्छा होता था, बट अब सेल्फ स्टडी भी खुद से करनी होती है, रिविजन भी खुद से करना होता है एंड इन दोनों चीज़ें, सेल्फ स्टडी और रिविजन, अगर आप ये दो चीज़ें नहीं कर रहे हो तो आपका किसी एग्जाम में श्योरिटी नहीं है कि वो एग्जाम आपका क्रैक होगा। ये नहीं कि नहीं होगा, बट हाँ श्योर आप नहीं हो सकते, क्योंकि दीज टू आर द कीज टू क्रैक एनी कॉम्पिटिशन एग्जाम। अब इसलिए मैंने सोचा कि मुझे कुछ तो अपने लाइफ स्टाइल में चेंज करना होगा, डेली शेड्यूल में चेंज करना होगा। एंड डेली शेड्यूल मेरा इस तरीके का होता था कि मैं 8-9 बजे के आसपास उठता था, देन रेडी होकर मैं कोचिंग चल देता था, वहां मैं क्लासेस अटेंड करता था, फिर बीच के ब्रेक में थोड़ा सा कुछ जीके कर लेता था, देन अगेन क्लासेस, घर आता था आई गेस 7:30-8 के अराउंड एंड 9 बजे तक, 9:30 तक डिनर कंप्लीट करके पढ़ने बैठता था एंड 1 बजे मैं सो जाता था। अब इसमें सेल्फ स्टडी की टाइम नहीं मिली, क्यों नहीं मिली, क्योंकि घर आके जो मैं काम कर रहा हूँ वो तो वही काम है जो क्लास वर्क है। सो ये चीज़ें मैंने एनालाइज की एंड मेरे हिसाब से अगर आपके प्रिपरेशन में कुछ भी डाउट आ रहा है तो मेंटर से टॉक करने से पहले या किसी और से बात करने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको करनी चाहिए वो होती है सेल्फ टॉक। एंड मेरे प्रिपरेशन में सबसे ज़्यादा जो मुझे गाइड करने वाली चीज़ थी वो थी सेल्फ टॉक, क्योंकि मैं खुद से बहुत बातें करता था पूरे प्रिपरेशन में एंड तो मैंने फिर से खुद से बात की कि यार आखिर प्रॉब्लम हो क्या है। तो मैंने नोटिस किया कि ये सारी चीज़ें हैं एंड मैंने क्या किया, सोने के टाइम को मैं 7-8 घंटे एक कॉम्पिटिशन एग्जाम के स्टूडेंट को मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा वो नींद है, उतना हम नहीं ले सकते एंड अगर आप मैनेज कर सकते हो तो फिर लेना चाहिए, बट मेरे से मैनेज हो नहीं रहा। तो मैंने सोने के टाइम को थोड़ा कम किया एंड ये मैंने डिसाइड किया कि जो कोचिंग के जो क्लास वर्क्स होते हैं वो मैं सेंटर पे ही बैठ के करूँगा, तो वहाँ पे कर लेता था क्योंकि वहाँ क्या है कई सारे बच्चों के घर में जो है वो डिस्टर्बेंस होती है एंड कई सारी चीज़ें होते हैं, तो वहाँ पे उन्होंने वो प्रोवाइड कराया था कि पढ़ वहाँ बैठ के हम पूरे दिन पढ़ सकते हैं। सो मैं वहाँ अपना कोचिंग के होमवर्क्स कर लेता था एंड कोचिंग के वर्क्स कर लेता था एंड घर आके फिर जीके एंड रिविजन, इस तरीके से सब चीज़ें काफ़ी सॉर्टेड हो चुकी थी एंड मार्क्स भी अब धीरे धीरे बढ़ रहे थे। बट देन एक पॉइंट आता है जहाँ पे आपके मार्क्स जो है वो स्टक हो जाते हैं एंड मेरे साथ भी वही हुआ कि मेरे जो स्कोर्स थे वो रुक गए अराउंड 65 पे, जो कि सबसे ज़्यादा, अब क्लैट 120 का हो चुका था एंड 65 पे स्कोर स्टकना इज़ वेरी कॉमन। बट अब जो थे रैंक काफ़ी पीछे होने लगे क्योंकि बाकी लोग के तो मार्क्स आ रहे थे, मेरे 65 पे रुक चुके थे। तो मैंने ये नोटिस किया कि यार मेरी जो रीडिंग स्पीड है वो बहुत स्लो है, मेरे बाकी के फ्रेंड्स जिनके 70 मार्क्स आ रहे हैं, 75 मार्क्स आ रहे हैं, उन लोग अटेम्प्ट करते थे 105-110+, मेरे जो 60 नंबर आ रहे हैं, 65 नंबर आ रहे हैं, मैं अटेम्प्ट करता था 90-95 क्वेश्चंस, कई बार 80-85 क्वेश्चंस एंड द रीज़न वाज रीडिंग स्पीड मेरी बहुत स्लो थी। सो मैंने ये देखा कि इससे ज़्यादा तेज रीडिंग स्पीड तो मैं अपनी नहीं बढ़ा सकता, क्योंकि अब मुझे दोनों चीज़ें एक साथ करनी है। मेरे पास उतना टाइम नहीं था कि मैं रीडिंग स्पीड के लिए सीधा बुक्स पढ़ने या न्यूज़पेपर को एकदम फ्लो के साथ पढ़ना शुरू कर दूँ, एंड रीडिंग स्पीड क्या है, कंसिस्टेंट एक प्रोसेस है जो कि टाइम लेगा इम्प्रूव होने में। मैंने ये डिसाइड किया कि मुझे कुछ ना कुछ चेंज लानी होगी अपने रीडिंग के तरीके में एंड इसके लिए मैंने अपने कुछ ऐसे दोस्त ढूंढने शुरू किए
जिनकी रीडिंग स्पीड तो तेज थी एंड उनके नंबर भी आते थे, क्योंकि ऐसा क्या है कई बार हम तेजी से तो पढ़ देंगे बट पैसेज समझ नहीं आया तो क्या ही फायदा। तो मैंने ऐसे अपने दोस्त ढूंढे जिनके मार्क्स भी अच्छे आ रहे हैं, रीडिंग स्पीड भी अच्छी है। तो मैंने जब उनको उनके साथ मैं रहना शुरू किया, मैंने देखा कि वो किस तरीके से मॉक्स देते हैं, किस तरीके से रीड करते हैं, तो मुझे यहाँ पे पता चला ये दो मेथड्स के बारे में रीडिंग के, जो कि मैंने रीडिंग स्पीड वाले वीडियो में बताया है ऑलरेडी, जाके आप उस चैनल मेरे चैनल पे चेक कर ले सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन पे है, ओरिजिन लॉ बाय अभ्युदय वो चैनल है, ओरिजिन प्ले, वहाँ पर मैंने वो वीडियो डाला हुआ है। सो मुझे वो मैथड्स के बारे में पता चले, फ्लो चार्ट मैथड एंड स्किमिंग टेक्निक, एंड इसके मैं डिटेल वीडियो भी उस चैनल पे अभी लाने वाला हूँ विद प्रैक्टिस, तो आप उसको भी देख लीजिएगा। मेरे हिसाब से बेस्ट जो रीडिंग स्पीड की टेक्निक है वो ये दो मेथड्स हैं। तो मैंने ये दोनों मेथड यूज किए एंड फिर मैंने नोटिस किया कि शुरू के एक दो हफ्ते तो कोई चेंज नहीं थे, बट आफ्टर अ मंथ, एक महीने मुझे लगे, मैं भी 110 प्लस अटेम्प्ट करने लगा था एंड 70 मेरे मार्क्स आने लगे थे। अब 70 मार्क्स वर लाइक लीगल एज के पोर्टल पे, एंड मैंने काफी सारे कोचिंग्स के जा के मॉक्स भी दिए, वहां के हिसाब से 70 मार्क्स वर वेरी गुड फॉर गुड परसेंटाइल एंड रैंक। बट अब हुआ ये कि 70 पे अब मेरा प्रिपरेशन मैं लाइक रुक गया, मैं कि हाँ अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, चलो इसी चीज को कंटिन्यू करते हैं। एंड फिर अचानक से सितंबर के टाइम पे एक बड़ा ही अजीब टाइप सा मॉक आया था। ये मैं मॉक मुझे इसलिए याद है क्योंकि इसी मॉक के बाद मेरे स्कोर्स काफी गिरना शुरू हुए। तो एक बहुत ही अजीब सा मॉक आया था जिसमें मेरे 54 के अराउंड कुछ मार्क्स आए थे, एंड 54 या आई गेस 40s में कुछ मार्क्स आए थे, एंड पूरे कोचिंग के सारे स्टूडेंट्स से मेरे सारे फ्रेंड्स के मार्क्स बहुत कम थे। तो टीचर्स ने बोला कि यार इसको इग्नोर करो, ये फालतू सा मार्क है। तो मैंने उसको इग्नोर किया, बट देन मेरे मार्क्स जो थे वो कंटिन्यूसली गिरने लगे, एंड पूरे सितंबर एंड अक्टूबर के मिड तक मेरे जो मार्क्स थे वो थे 50s में। एंड उसी टाइम की बात है कि 15 दिनों के लिए मेरी जो तबीयत थी वो बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। इट्स लाइक 5-6 दिन का फीवर था, फिर रिकवर होने के लिए वीकनेस, तो 15 दिन उसमें जा चुके थे। तो मुझे लगा कि यार ठीक है, बीमार था मैं या वीकनेस थी मुझे, इसलिए मेरे मार्क्स नहीं आ रहे थे। बट देन मैंने नोटिस किया कि यार अब तो तबीयत ठीक हो चुका है, अब मार्क्स क्यों नहीं आ रहे। तो फिर मुझे अपना वो जो मेन वेपन है वो निकालना पड़ा, सेल्फ टॉक। मैं बैठा, फिर कुछ मुझे समझ नहीं आया, तो मैंने एक खुद से टेक्निक निकाली, या बोल सकते हैं खुद से नहीं, काफी कॉमन है, बहुत लोग यूज करते हैं, मेरे हिसाब से आपको भी यूज करना चाहिए, बट तभी यूज करना जब बहुत ज्यादा स्टक हो चुके हैं आपके मार्क्स। तो मैंने क्या किया, पिछले अपने 7-8 मार्क्स निकाले एंड उनको 2-3 घंटे बैठ के मैंने उनको एनालाइज किया। सो मुझे ये पता चला मैथ्स कंसिस्टेंटली मेरे फुल मार्क्स आ रहे थे मैथ्स में, 12 out of 12, 10 प्लस तो मेरे मार्क्स थे, मींस मैथ्स में मुझे इशू नहीं था। जीके मैंने अपने इस साल की प्रिपरेशन को कुछ इस तरीके से किया था कि अगर मेरे जीके में भी 0 मार्क्स आ रहे हैं तब भी मैं बाकी सेक्शंस के थ्रू 65-70 मार्क्स स्कोर कर लूं, इस तरीके से मैंने इस बार प्रिपरेशन किया था। तो जीके को मैंने उतना ध्यान नहीं दिया, क्योंकि देखिए जीके में भी आपको उतना सीरियस नहीं होना है। मैं एक अलग से उस चैनल पे वीडियो डालूंगा सिर्फ जीके के प्रिपरेशन के बारे में, क्योंकि अगर इस वीडियो में मैंने डिस्कस किया तो काफी वीडियो ये लंबी हो जाएगी। एंड हाँ, ये वीडियो आपको देखनी बहुत जरूरी है जो जीके की मैं बनाने वाला हूँ, क्योंकि हम जीके में सबसे ज्यादा गलती करते हैं। जैसा मैंने आपको बताया, जब मैं लास्ट ईयर का अटेम्प्ट दे रहा था क्रैक का, तो मैंने जीके में सबसे बड़ी गलती की थी। सो वो चीजें मैं उस वीडियो पर डिस्कस करूंगा। एंड जीके को तो मैंने उतना ध्यान नहीं दिया। देन मैंने नोटिस किया कि इंग्लिश एंड आरसी एंड सीआर, इसमें मेरे अल्टरनेटिवली मार्क्स आ रहे थे। जब आरसी में आते थे तो सीआर में नहीं आते थे, सीआर में नहीं आते थे, सीआर में आते थे तो आरसी में नहीं आते थे। सो इसका मैंने ये सॉल्यूशन निकाला कि मैं आरसी सीआर को एक साथ अटेंड करूंगा। तो ठीक है, ये सॉल्यूशन निकल गया, बट इससे कोई मेजर चेंज नहीं आया। जो मेन मेरे को अपना वीक पॉइंट दिखा वो ये था, लीगल के स्कोर्स मेरे 15-17 से ऊपर जा ही नहीं, इसलिए मेरे मार्क्स जो थे वो गिर चुके थे। तो मुझे पता चल गया कि प्रॉब्लम क्या है। एंड जैसा कहा जाता है ना कि अगर आपको प्रॉब्लम पता है अच्छे से, अगर आपको प्रॉब्लम पता है मींस आधा सॉल्यूशन आपको मिल चुका है। तो मुझे भी आधा सॉल्यूशन मिल चुका था। अब मुझे करना क्या था, लीगल के मार्क्स को इम्प्रूव करना था। तो मैंने जो अपने उस चैनल पे वीडियो बनाया है उस पे भी मैंने उस वीडियो पे एक वीडियो पे डिस्कस किया है कि जब मैं स्टडी मटेरियल्स की बात कर रहा था, बेस्ट सोर्सेज फॉर क्लैट, तो उसमें मैंने आपको ये बताया था कि अगर आपको लीगल में अपना स्कोर इम्प्रूव करना है तो उसका बेस्ट तरीका है आप सेक्शनल टेस्ट दो। तो मैंने लीगल में अपने सेक्शनल टेस्ट जो है वो इंक्रीज कर दिए, टेस्ट मैंने इंप्रूव कर दिए, एंड फिर से अब मेरे मार्क्स जो थे वो थोड़े थोड़े बढ़ने शुरू हुए थे। बट देन अभी तक आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये तो ऐसा स्टूडेंट है जिसने खुद से कुछ गलती की नहीं, इसके सामने प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, ये सॉल्यूशन निकालते जा रहा है एंड सब चीज़ सब अच्छा चल रहा है। बट नहीं,
मैंने भी गलती की थी थोड़ा सा, मैंने जो मेन मेरी मिस्टेक थी वो मैं अब आपको बताने वाला हूँ। एंड जो सबसे बड़ी मेरी मिस्टेक थी वो थी क्रिकेट। क्रिकेट अगर मैं कहूँ कि मेरे साथ जो सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन है वो है क्रिकेट, एंड क्रिकेट खेलना नहीं, क्रिकेट देखना। सो इट वॉज लाइक उस टाइम एशिया कप चल रहा था, एंड मैं क्या करता था, एशिया कप के सारे मैचेस देख लेता था, सिर्फ इंडिया के नहीं बाकी कंट्रीज के भी। तो उस वजह से क्या है, पढ़ाई में मार्क्स में थोड़े से डाउन फॉल हुए थे, जिस वजह से आलोक सर ने मुझसे पूछा भी कि यार क्या चल रहा है, इतने मार्क्स कम कैसे हुए। तो मैं उनसे यही आंसर देता था कि सर मैं सॉर्ट आउट कर रहा हूँ कि चल क्या रहा है, बट क्रिकेट में मुझे दिख रहा है मेरे मार्क्स कम आ रहे हैं। एंड बट फिर भी मैं क्रिकेट में इतना खोया हुआ था कि मेरा ध्यान नहीं जाता था, या फिर ध्यान बोलूँ ध्यान जाता था, बट फिर भी मैच देखना रहता था। देन मैंने काफ़ी दिन बाद दूसरों के स्कोर चेक करने का मेरा मन किया, तो मैं पूछने गया फिर सेंटर में, पूछा मैंने काफ़ी लोगों से कि कितने कितने मार्क्स आ रहे हैं। देन मुझे पता चला कि यार सब तो 75 के ऊपर भाग चुके हैं, एंड ऐसे स्टूडेंट जिनके मेरे से कम मार्क्स आते थे वो भी आज मेरे से 10-10 नंबर ज़्यादा स्कोर कर रहे हैं। तो थोड़ा सा ये चीज़ मुझे हिट की, बट नहीं क्रिकेट तो देखना था। एंड मैंने फिर वर्ल्ड कप भी आने वाला था, तो वर्ल्ड कप के भी मैंने मैचेस देखे थे। बट मैंने यहाँ पे एक चेंज ये लाया कि मैं बाकी कंट्रीज के मैच को अवॉइड करने लगा, सिर्फ इंडिया के मैं मैचेस देखता था। एंड जिस दिन इंडिया का मैच होता था उसके एक दिन पहले मैं सोने की जगह रात में पढ़ता था, ताकि उस दिन का जो टाइम वेस्ट होने वाला है वो मैं कवर कर लूँ। एंड टाइम वेस्ट को मैं किस तरीके से मेजर करता था, जीके के बैकलॉग्स के थ्रू। आप बाकी चीज़ों के थ्रू अपने उसको मैनेज नहीं कर सकते कि आपका टाइम वेस्ट हो रहा है या नहीं, आप कैसे मैनेज करेंगे। आपको लग रहा है कि आपको इतने सेक्शंस देने हैं, बट दो जो प्लेट में जो थिंग इज कि डजेंट मैटर आप एक हफ्ते में एक दिन में कितने सेक्शंस दे रहे हैं। तो अगर आप हफ्ते के 3 सेक्शंस भी दे रहे हो तो आपका टारगेट है कि आपको 7 देने, बट आप 3 दे रहे हो, इंप्रूवमेंट तो आपको दिख रहा है। बट जीके में हमको पता चलता है, बैकलॉग्स क्रिएट होने लगते हैं कि अब इतने टॉपिक्स थे, पहले 4 टॉपिक बचे थे, अब मेरे 12 टॉपिक्स हो गए हैं, कि एक हफ्ते में 8 टॉपिक्स और ऐड हो गए जो कि मुझे पढ़ने हैं। तो इस तरीके से मैं जीके के जो बैकलॉग थे वो रात को कवर कर लेता था। एंड जब किसी दूसरे कंट्रीज के मैं मैच देख लेता था तो फिर उस दिन भी मैं ऐसी हरकतें करता था। सो इस तरीके से मैंने क्रिकेट और पढ़ाई दोनों को मैनेज किया। अब क्रिकेट एंड हो गया, एंड इंडिया तो वर्ल्ड कप हार गई, बट आई गेस मैं अब अपने उस अच्छे लाइन पे जा चुका था जहाँ पे मुझे दिख रहा था कि हाँ अब क्लैट का एग्जाम मुझे मेरे सामने है, मुझे अच्छे से वो एग्जाम को देना है। अब लास्ट के 7 डेज में आपको बताता हूँ कि किस तरीके से मेरे क्लैट के गए थे। मैंने 7 डेज को इस तरीके से प्लान किया था कि जो 5 दिन है उन 5 दिनों में मुझे क्या करना है, 3 टेस्ट मुझे देने, 3 मॉक टेस्ट मुझे देने उन 5 दिनों में, एंड जीके को एक बार रिवाइज कर लेना है। सो मैंने वैसा ही किया। अब 1st एंड 2nd दिसंबर, 3 दिसंबर को क्लैट का एग्जाम था, एंड 1st दिसंबर को मेरी मम्मी यहाँ आ गई, क्योंकि एग्जाम है तो इट्स वॉज लाइक कि हाँ साथ में रहना चाहिए। एंड 1st दिसंबर को मैं पढ़ ही नहीं रहा था, मम्मी भी टेंशन में, पता नहीं है क्या कर रहा है कैसे कर रहा है। 2nd दिसंबर को भी मैं उतना नहीं पढ़ा, मैंने सिर्फ शायद कुछ वन लाइनर्स देखे जीके कि अगर गलती से एग्जाम में आ गया तो मुझे आने चाहिए, बट फिर मैं उससे ज़्यादा नहीं पढ़ाई, बस 1 या 2 घंटे। एंड ये 2 दिन देख के तो मम्मी वॉज लाइक कि पता नहीं ये जाने ये क्या करेगा, ये तो पढ़ ही नहीं रहा। फिर दीदी से पूछती है कि वो भी मेरे साथ रहती थी कि ये पढ़ता है या नहीं, सारे दिन इसने ऐसा ही थोड़ी किया। तो उनका कहना था पता नहीं यही जानेगा पढ़ा या नहीं पढ़ा है, बट हाँ मैंने उस चीज़ का इतना टेंशन नहीं लिया क्योंकि ये मैं माइंड में डिसाइड करके रखा था। एंड ये चीज़ मैं भी आपको बताना चाहता हूँ कि एग्जाम आते टाइम स्ट्रेस हमारे अंदर एग्जाम का ही ऑलरेडी हो जाता है, तो अब अगर हम उस स्ट्रेस के ऊपर पढ़ाई के भी स्ट्रेस को डाल देंगे तो एग्जाम वाले दिन हम अपने फुल पोटेंशियल से काम नहीं करने वाले। सो मेरे ख्याल से 2 दिन तो यहाँ पे गैप होना ही चाहिए। एंड ये चीज़ मुझे सजेस्ट की थी जो हरीश सर जीके के टीचर है हमारे कोचिंग में, उन्होंने ये चीज़ मुझे सजेस्ट की थी। सो मैंने 2 दिन इस तरीके से बहुत ही लाइट स्टडी मैंने की थी। अब आता है एग्जाम वाला दिन। एग्जाम वाले दिन सुबह उठ के मैं आराम से उठा, जनरली क्या करता है स्टूडेंट एग्जाम वाले दिन सुबह उठ जाता है, रात को देर से सोता है सुबह उठ जाता है। मैं उस दिन रात को जल्दी सो गया था एंड मैं 8-9 बजे के आसपास उठा, 2 बजे क्लैट का एग्जाम होता है। सो मैं 8 बजे के आसपास उठा, आई गेस 8:30 हो रखा था। मम्मी बोलती इतना लेट उठ रहा है एग्जाम है, डांटने लगी, बोला अरे चिल करो। अब मैं सुबह उठते ही पढ़ने की जगह मैंने सबसे पहले जो मैंने काम किया वो था मैं गाना चलाने लगा। एंड कुछ वो मैं आपको अभी थोड़ी देर में बताऊंगा कि वो मैं क्यों कर रहा था। वो मैं गाने चलाने लगा एंड गाने चलाते हुए मैं ब्रश करने गया, फिर गाने सुनते हुए मैंने नहाया, फिर मैंने ब्रेकफास्ट किया, मैं रेडी हुआ एंड फिर मैं निकला। अब
ये देख के मम्मी को लगा कि एग्जाम जैसा इसका कुछ वो नहीं है, तो वो टेंशन में थी काफी। एंड ये चीज मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये मुझे सबसे ज्यादा अगर एग्जाम वाले दिन किसी चीज ने हेल्प की तो वो इन चीजों ने थी। अब इसका रीजन मैं आपको बताता हूँ मैं ऐसा क्यों कर रहा था। मैंने क्लैट एग्जाम के 3 महीने पहले ये डिसाइड किया था कि मेरे मॉक देने वाले जो दिन है, संडे को मैं मॉक्स देता था, वो दिन सेम रहेगा। उस दिन मैं सुबह उठ के गाने सुनूंगा और गाने सुनने के बाद मैं मॉक देने जाऊंगा। इन द सेंस इट वॉज लाइक कि अगर मैं यार एग्जाम के पहले मैंने 50 मॉक्स दिए हैं तो एग्जाम वाले दिन मेरा माइंडसेट ये होना चाहिए कि अब मैं मॉक देने जा रहा हूँ, वो मेरा 51st मॉक टेस्ट है। डजंट मैटर ये एक्चुअल क्लैट या क्या है, अब जो मैं देने जा रहा हूँ वो मेरा 51st मॉक टेस्ट है। इस तरीके की माइंडसेट्स के साथ अगर हम एग्जाम हॉल में जाएंगे तो हमारा प्रेशर बहुत कम रहेगा एंड जो एंग्जाइटी होती है एग्जाम हॉल में, प्रेशर जो बिल्ड होता है वो काफी रिड्यूस हो जाएगा। तो जब हम किसी चीज के पहले सेम रूटीन को फॉलो करते हैं तो हमको ऐसा लगता है कि हाँ वही चीज हम फिर से करने जा रहे हैं। तो मॉक्स के पहले का मेरा जो रूटीन होता था वो सेम होता था, इसलिए मैंने एग्जाम वाले दिन भी वैसे गाने सुने। एंड पिछले लाइक 2-3 मॉक्स से तो मैं सेम गाने सुन रहा था, एंड वो भी गाने ऐसे नहीं कि आपके माइंड को ही चेंज कर दे। इट वॉज लाइक कि प्यार मोहब्बत वाले गाने आपको कुछ अपना पास्ट याद आ गया या कुछ और आप खो गए, सैड वाले सॉन्ग ही नहीं, न्यूट्रल सॉन्ग्स जो होते हैं जैसे कि थोड़े पॉजिटिव एनर्जी वाले। तो एग्जाम हॉल वाले एग्जाम वाले दिन जो मैंने गाने सुने थे वो थे ऑल इज वेल, हवन करेंगे और फालतू आलतू जलालतू वाला फालतू सॉन्ग। सो ये मैंने किया था एग्जाम के पहले। अब बात आती एग्जाम सेंटर। एग्जाम सेंटर पे हम लोग 1.5 घंटे पहले पहुंच चुके थे, एंड हाँ एग्जाम सेंटर पे 1-1.5 घंटे पहले पहुंच ही जाना चाहिए, जल्दी जल्दी में फिर आपके ऊपर और प्रेशर आ जाता है। सो एग्जाम सेंटर में पहुंचा, मैंने देखा कि यार इतनी ज्यादा भीड़ है, चारों तरफ गाड़ियां ही गाड़ियां। एंड पिछले बार मैंने एग्जाम दिया था अपने ही होम टाउन में तो वहां काफी कम भीड़ थी, यहां आके मुझे पता चला कि यार इतनी ज्यादा भीड़ है। तो नहीं मैं तो काफी चिल था। एंड उस दिन क्या है, जो छत्तीसगढ़ स्टेट है एंड मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, वहां इलेक्शन हुए थे, उसके रिजल्ट्स आने वाले थे। सो एग्जाम हॉल में जाने से पहले पहला चीज जो मैंने पूछा था वो एग्जाम देने जाने से पहले पहला क्वेश्चन मेरा ये था कि क्या रिजल्ट क्या है। मैं लाइव रिजल्ट देख रहा था टीवी पे कि आखिर किसकी गवर्नमेंट बन रही है। तो उस टाइम तो ये चल रहा था कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की गवर्नमेंट जो है वो मेजोरिटी में चल रही थी। देन मैं एग्जाम सेंटर के अंदर गया, मुझे अलॉट हुआ था 7th फ्लोर का रूम। अब 7th फ्लोर में लिफ्ट तो थी सेंटर पे, बट लिफ्ट में लाइन लगा हुआ था, 7-7 लोगों को लिफ्ट में ले जाके फिर ऊपर नीचे, तो लेट लगता। मैंने सोचा चलो चलते हैं। तो मैं एग्जाम्स अपने हॉल में 45 मिनट्स पहले पहुंच गया, पहले हमको जाने दे दिया गया था। सो मैंने 30 मिनट का वहां पे नैप ले लिया क्योंकि यार खाली बैठे हैं क्या करते। सो मैं सोचा चलो आराम करते हैं, मैं उतना स्ट्रेस नहीं ले रहा था क्योंकि पिछले एग्जाम का मैंने देखा था कि स्ट्रेस लेने से क्या होता है, पूरा पेपर फक्ड अप हो जाता है। तो मैंने इस बार स्ट्रेस नहीं लिया। अब लास्ट के 15 मिनट्स में मैंने डिसाइड किया कि मेरा जो है मॉक देने का तरीका क्या होने वाला है। सो मैं हमेशा मॉक को किस तरीके से देता था, सबसे पहले मैं लीगल अटेम्प्ट करता था, इसलिए कि बड़ा सेक्शन है, इसमें ज्यादा मार्क्स मेरे आ जाने चाहिए। फिर मैं जाता था जीके में ताकि स्पीड बढ़े, देन मैं करता था RCCR फिर मैथ्स। और रीजन ये था कि इससे के थ्रू स्पीड भी एक मेंटेन होती थी, एंड मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट था जो मेरा स्ट्रांगेस्ट सेक्शन है, एंड मेरी स्पीड भी उसमें मेरे ऊपर है कि मैं कितने तेजी से सॉल्व करना चाहता हूँ, क्योंकि मैथ्स के स्टूडेंट के लिए क्लैट का मैथ इज नथिंग। सो मैं इस तरीके से रखता था। बट लास्ट के 5-6 मॉक्स में मैंने एक चेंज ले आया कि मैंने अपने सीधा उसको ही चेंज कर दिया, मॉक देने के तरीके को। अब ये चीज रिस्की है, कभी आपके लिए वर्क करेगी कभी नहीं करेगी। मेरे लिए मैंने ये सोच के चेंज किया कि ये मेरे अंदर ये डाउट आया कि अगर पेपर लेंथी आ गया और मैथ्स को मैंने लास्ट में रख दिया, एंड फिर एट द एंड मुझे ये पता चलेगा कि यार मैथ्स तो इजी आया था, टाइम की वजह से मैथ्स मैं कर नहीं पाया, तो जो रिग्रेट होगा ना उससे बेकार कुछ नहीं हो सकता। सो मैंने क्या किया, मैथ्स को मैं सबसे शुरू लिया है, बाकी सेम सीक्वेंस। द रीजन वॉज अपने 3 सबसे स्ट्रांग सेक्शंस के थ्रू मैं अपने पेपर को स्टार्ट करना चाहता था। तो मैंने यही अपना माइंडसेट वहां बना के मैं गया था। अब पेपर मेरे सामने आया, हमको पेपर मिला, सो खोलने के लिए हमको नहीं दिया गया था, तो मैंने क्या किया, साइड से बिना सील ओपन किए बस क्वेश्चंस में देखने लगा। एंड मैं ये डिसाइड करके आया था कि अगर पर पैसेज 5 या 6 क्वेश्चंस हुए मतलब मेरा पेपर अच्छा जाने वाला है। एंड देन मुझे पता चला कि यार RCCR में पर पैसेज 6-6 क्वेश्चंस है, मैं बहुत खुश हो गया।
फिर मैंने मैथ्स के सेक्शन को देखा कि देखते किस टॉपिक से क्वेश्चन आए, तो वहां भी दोनों मेरे पहचान के टॉपिक्स एंड पहचान इन द सेंस दे वर लाइक रेशियो एंड एवरेज, इस टाइप से कुछ टॉपिक्स थे, अभी मुझे याद नहीं आ रहा, बट हाँ वो टॉपिक्स देखते ही मेरे ध्यान में ये था कि ये तो 10 मिनट में हो जाएंगे इतने ईजी क्वेश्चन थे। सो जैसे ही पेपर की बेल लगी मैंने तुरंत पेपर ओपन किया, मैं मैथ्स के सेक्शन में गया एंड जो मैथ्स के दोनों क्वेश्चन थे मुझे 8 मिनट लगे वो दोनों बन गए बहुत ही तेजी से, मैं बहुत खुश हो गया एंड मैंने चले गया लीगल के सेक्शन में। अब लीगल भी तो बहुत ही ईजी था, ऐसा मुझे रीडिंग मेरी तेजी से हो रही थी तो मैंने उसको पढ़ा। देन जब ऑप्शन क्वेश्चन में मैं मार्क करने गया तो क्वेश्चन मैंने सॉल्व किए, देन 54, ये चीज मुझे हमेशा याद आता है कि कई बार लक भी मैटर करता है एग्जाम में। मैं 54th नंबर का क्वेश्चन पढ़ रहा था एंड मुझे उसका आंसर सी लगा, मैंने उसका आंसर सी मार्क किया। अब ये हुआ कि अब OMR में मार्क करता हूँ एंड ये चीजें हैं, देखिए कुछ कुछ चीजें हैं जो कि मैं इस वीडियो में नहीं बता पा रहा क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी, जैसे कि और जो कि आपकी एग्जाम वाले टाइम पे ये चीजें आपकी काम आएगी, या अभी वो जो चीजें मैं इस वीडियो पे नहीं डिस्कस कर पा रहा हूँ जो कि डिटेल में आपको जाननी है वो सारी चीजें मैं उस चैनल पे आपके साथ डिस्कस करूंगा। सब मैं OMR पे मार्क कर रहा हूँ एंड मैंने क्या किया, मैं 54 की जगह 55 के ऑप्शन सी को मार्क कर दिया जो कि क्लैट में मुझे 1.25 मार्क्स का, जिसकी वजह से मुझे लॉस हो सकता था। बट लक मेरी ये काम आई कि देन मुझे पता चला कि 54th क्वेश्चन का भी, 55 क्वेश्चन का भी एंड 56th क्वेश्चन का भी तीनों का सी ऑप्शन, तब मुझे थोड़ी राहत की सांस मिली एंड क्लैट के एग्जाम आते तक मैंने अपने रीडिंग स्पीड को उन दो मेथड्स के थ्रू इतना तेज कर लिया था कि एग्जाम ओवर होते तक मेरे पास लास्ट में 15 मिनट्स बचे हुए थे। अब मेरे माइंड में सिर्फ यही था कि किस तरीके से मैं बाहर जाऊं एंड घर वालों को बताऊं कि मेरा पेपर कैसा गया है। तो पेपर मेरा अच्छा गया, बट एग्जाम हॉल से बाहर निकला, मैंने बताया, अब चालू होता है वो लास्ट का फेज जिसमें काफी वो होता है कि रिजल्ट कैसा आने वाला है। एक हफ्ते बाद रिजल्ट आया और वो एक हफ्ता तो बहुत ही लाइक इसमें निकल रहा था कि यार मेरा अच्छा गया, क्या पता सबका अच्छा गया होगा, या फिर क्या पता मेरे उतने सफिशियंट मार्क्स आएंगे या नहीं आएंगे, मैंने कोई गलती तो नहीं कर दी, इतने मार्क्स आ रहे थे, मैंने आपके सबसे पहले मार्क्स कैलकुलेट किए, सो 104, 103 समथिंग मेरे अराउंड मार्क्स आ रहे थे। देन रिवाइज्ड आंसर की आई और रिवाइज्ड के पहले क्लैट ने इस बार बहुत ही फनी चीज़ किया था, फनी नहीं उनकी गलती थी बट ठीक है, टेंशन में आ गए थे सारे स्टूडेंट, तो उन्होंने जो अपना पहला आंसर की अपलोड किया था उसमें इतना बड़ा ब्लंडर था कि सेक्शन दूसरा है, क्वेश्चन पेपर का सेट दूसरा है, आंसर की दूसरे सेट की है एंड ऐसा नहीं कि दूसरे सेट की सेम आंसर की, चारों सेट की आंसर की इंटरमिक्स्ड है, एक सेट में एक सेक्शन सेट ए का है एक आंसर की में एंड अगर लीगल सेक्शन ए का है तो जीके सेक्शन बी का उन्होंने डाल दिया आंसर की में, तो वो बहुत ही अजीब सी आंसर की थी। तो उसके थ्रू चेक करने पे तो पता नहीं 25-20 कुछ मार्क्स आ रहे थे मेरे। देन फिर एक्चुअल आंसर की आई, उससे हमने चेक किया तो 102.75 मार्क्स बने। देन रिवाइज्ड आंसर की आई, उसमें से दो क्वेश्चन हट गया, एक क्वेश्चन उन्होंने आंसर को चेंज कर दिया, तो उसके बाद मेरे मार्क्स बने 99.25। देन जब रिजल्ट आया तब मुझे पता चला कि हाँ 92 मेरी रैंक आई है एंड इतने मेरे मार्क्स आए हैं, तब काफ़ी ये लाइट फील हुआ एंड काफ़ी अच्छा यहाँ पे मुझे लगा कि चलो फाइनली जो चीज़ है वो मुझे पता चल गई एंड इस तरीके से जो एग्जाम है मैंने क्लैट का जो मेरा प्रिपरेशन था कुछ इस तरीके से था। सो आई नो आप में से कुछ ऐसे लोग हैं जो कि या तो 11th में है जिनके 2 साल बाद क्लैट के एग्जाम होने वाले हैं, या फिर 12th में है जिनके इसी साल होंगे एंड या फिर ड्रॉपर्स, तो आपको मेरा सजेशन ये है कि यार देखो क्लैट प्रिपरेशन स्टार्ट करने का कोई सही टाइम नहीं होता। अभी मैं जो आपको सबसे अच्छा सजेशन दे सकता हूँ, ड्रॉपर्स को तो आधी चीजें पता है जो एक बार क्लैट दे चुके हैं, या फिर अगर उन्होंने लाइटली काफी क्लैट को दिया था तो हमेशा हमारे माइंड में होता है कि यार कई लोग ऐसे हैं जो 11 से शुरू कर चुके हैं, तो नहीं, डजंट मैटर, क्लैट एक ऐसा एग्जाम है जिसके लिए 6 to 7 months का टाइम उसको क्रैक करने के लिए मोर देन सफिशियंट है। द रीजन इज आपको बेसिक्स पे काम करना है, आपको फिर प्रैक्टिस करनी है, इसमें कुछ ऐसा मैथ्स फिजिक्स जैसा सिलेबस नहीं है जिसमें सिलेबस कंप्लीट करने में ही टाइम लगेगा। सो आप ये चीज अपने माइंड से निकाल दो कि काफी लोग ऐसे हैं जो बहुत टाइम से क्लैट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। मैं जब एग्जाम देने गया था तो मेरे को भी मिले थे कई सारे लोग जो उस टाइम पे 11 से प्रिपरेशन करते हुए उनको 2 साल हो चुके थे एंड अब वो क्लैट देने वाले थे, बट नहीं, अगर आप कंसिस्टेंटली किसी चीज को करते जा रहे हैं, आपको कॉन्फिडेंस है, तो आपको फुल एफर्ट उसमें देना चाहिए। सो कोई इसका परफेक्ट टाइम नहीं होता एंड मेरे ख्याल से अगर जिस टाइम पे आप इस वीडियो को देख रहे हो आप स्टार्ट कर दो, अगर आप स्टार्ट कर चुके हो तो आई एम देयर फॉर यू फॉर एनी काइंड ऑफ हेल्प यू वांट।
मॉक के स्कोर्स नहीं पढ़ रहे हैं, मॉक को देना कैसे है, मॉक को अटेम्प्ट कैसे करना है, मॉक को एनालाइज कैसे करना है, या फिर कौन से सिलेबस में क्या क्या करना है, कौन से सोर्सेज अच्छे हैं, आपसे कुछ मिस्टेक्स हो रहे हैं मैं आपको बता सकता हूँ, एंड एनी किसी भी चीज़ की आपको हेल्प है। इन द सेंस आई एम योर पर्सनल मेंटर। इन सारी चीज़ों की वीडियोज भी मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। इंडिविजुअल आपको चाहिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। एंड हाँ, अगर आपको NLSIU के ब्लॉग्स चाहिए तो आपको वही चैनल पे मिलेंगे। क्लैट से रिलेटेड प्रिपरेशन करना है तो आपको ओरिजिन वाले चैनल में मिलेंगे। एंड ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद।